सो गाइस सब कैसे हो, मैं हूं उन्होंने रिटेल ऑन चैनल पर आप लोगों का स्वागत। तो गाइस एयरटेल पेमेंट बैंक पर जिनके भी फोन पे गूगल पे लिंक है तो कुछ दिनों से ना तो बैलेंस चेक हो रहे ना हम किसी को पैसे ट्रांसफर करने के लिए जा रहे तो नहीं हो रहे, तो क्यों नहीं हो रहा और इस टाइप का जो प्रॉब्लम आते हैं इसका दूसरा रास्ता क्या है, हम आज के इस वीडियो में डिटेल्स पर बात करेंगे। तो आप भी एयरटेल पेमेंट बैंक कस्टमर है तो वीडियो को जरूर अंत तक देखना। तो सबसे पहली बात तो मेरे बहुत सारे दोस्त ने मुझे दो दिन पहले बात थी कि बोले भाई मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक पर बैलेंस चेक नहीं हो रहे, मेरे एयरटेल पेमेंट बैंक पर बहुत सारा पैसे, मेरा इम्पोर्टेंट काम है पर मैं उसको पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रहा हूँ, मैं जब भी पैसे ट्रांसफर करने के लिए जा रहा हूँ तो वहाँ पर फेल हो रहा है, जेब में बहुत सारे इरोर वगैरह आ रहे। तो बेसिकली देखो एयरटेल पेमेंट बैंक एक बैंक है और कभी कभी बैंक में इस तरह का सार बार प्रॉब्लम आ जाते हैं, ये नॉर्मली जो भी लोग बैंक इस्तेमाल करते बहुत सारे लोग जानते हैं। बट इसका मतलब क्या है, जब सार बार डाउन होते उस टाइम पर अगर आपको किसी टाइम इमरजेंसी किसी को पैसा भेजना है या किसी जगह पर पेमेंट करना है तो हम किस टाइप से कर सकते हैं, क्योंकि जो सर्वर डाउन होते हैं वो कभी तो 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट कभी कभी 2-3 घंटा या 1 दिन तक भी लग जाते कि सर्वर डाउन रह जाते, तो उस टाइम पर हम पैसा अगर किसी को भेजना चाहे एयरटेल पेमेंट बैंक से तो हम किस टाइप से कर सकते हैं, हम डिटेल्स में इस चीज को जानेंगे। तो देखो सभी बैंक पर सर्वर डाउन होते हैं बट एयरटेल पेमेंट बैंक पर सर्वर डाउन जब हो जाते तो इस टाइम पर आप एक दूसरा रास्ता फॉलो कर सकते हो, जो कि है आपका जो भी जिस भी जगह पर फोन पे गूगल पे पेटीएम जिस भी जगह पर लिंक है उस जगह से आप लोग पैसे ट्रांसफर मत करना। आप क्या करना, आप अगर बैलेंस चेक करना चाहो या पैसे भेजना चाहो नॉर्मली एयरटेल पेमेंट बैंक का जो ऑफिशियल ऐप है एयरटेल थैंक्स ऐप, उस ऐप में जाओ। उस ऐप में जाने के बाद सबसे पहले तो इस जगह पर आप बहुत आसान तरीके से अपने बैलेंस को चेक कर सकते हो, नॉर्मली कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगर आपको पैसा भेजना है किसी को इमरजेंसी में पेमेंट करना है तो यहाँ पर आप लोग एक वर्चुअल डेबिट कार्ड भी मिल जाएगा जिस जगह से भी आप लोग पेमेंट कर सकते हो। अगर इस कार्ड से पेमेंट नहीं हुए तो भी मैं आप लोग को एक प्रोसेस बता सकता हूँ कि आप लोग क्या करना, यहाँ पर आप लोगों को जो वर्चुअल डेबिट कार्ड मिल जाएगा इस कार्ड को ले जाकर आप पेटीएम अगर आपके पास है तो पेटीएम में जाके वॉलेट में जाके एड मनी कर लेना है। एड मनी कार्ड हो गए तो आराम से एड मनी हो जाएगा, उस एड मनी को किसी दूसरे अकाउंट पर मतलब सेंड करके आप उस पैसे को किसी को भी सेंड कर सकते हो। प्रोसेस थोड़ा सा पेचीदा आपको लग सकते है तो ये बहुत सिंपल सा है कि आपका जो एयरटेल पेमेंट बैंक एटीएम कार्ड है उसको कॉपी कर लो, उसका कार्ड नंबर कॉपी कर लो, आपके पास पेटीएम है तो पेटीएम वॉलेट पर जाओ, एड मनी ऑप्शन में जाने के बाद कितना पैसा आप एयरटेल ऐप से लेना चाहते हो वो अमाउंट इस जगह पर लिख दो और इस जगह पर लिखने के बाद आप लोग नॉर्मली उस कार्ड नंबर को अच्छी तरीके से फिल कर दो। जब आप ओटीपी के थ्रू कार्ड के थ्रू पैसे ऐड कर लोगे पेटीएम वॉलेट पर तो पेटीएम वॉलेट से सेंड टू बैंक एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, उस ऑप्शन में जाके आप जिस भी बैंक पर पैसे ट्रांसफर करना चाहते हो उस बैंक का नंबर लिख दो, यहाँ पर उस बैंक पर पैसे ट्रांसफर हो जाएगा। और ये जो प्रोसेस है फुल्ली प्रोसेस है, इसका अलावा भी और भी मैं बहुत सारे प्रोसेस बताने वाला हूँ, ध्यान से देखना कि आप मान लो आपके एयरटेल पेमेंट बैंक पर पैसे है आप उस पैसे को किसी को ट्रांसफर करना चाहो या किसी जगह पेमेंट कर दो, दूसरा रास्ता भी है कि नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप पेमेंट कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टाइम सर्वर डाउन होने के बाद भी नेट बैंकिंग के थ्रू आप पेमेंट कर सकते हो। और एक चीज जो है कि आपको इमरजेंसी में कैश चाहिए या आप जिस भी जगह पर पेमेंट करना चाहो तो आपको नियरेस्ट आप जिस भी जगह पर हो अगर हो सके तो आपका नियरेस्ट कोई भी अगर सीएसपी है जिस जगह पर जाके आप पैसे विड्रॉल डिपॉजिट कर सकते हो, उस जगह पर जाके अपने आधार नंबर के थ्रू आप एपीएस के थ्रू आपके एयरटेल पेमेंट बैंक अकाउंट से पैसा विड्रॉल कर सकते हो, या अगर वो एयरटेल पेमेंट बैंक है सीएसपी है तो भी आप उस जगह पे जाके अपने एयरटेल पेमेंट अकाउंट नंबर देकर बायोमेट्रिक देकर आप पैसा विड्रॉल कर सकते हो। तो सर्वर डाउन होने के साथ साथ घबराने की कोई बात नहीं, थोड़ा सा ध्यान से दिमाग से सोचो आप आराम से प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो। आप जो बहुत सारे लोगों का बहुत दिनों से उसके अकाउंट से पैसे नहीं निकलते या बहुत सारे लोगों का अकाउंट में कुछ दिक्कत है तो वो सर्वर डाउन है। सर्वर डाउन होता है मैक्सिमम 1 घंटे 2 घंटे 3 घंटे मैक्सिमम 24 आवर्स तक सर्वर डाउन हो सकते हैं, पर इससे ज्यादा सर्वर डाउन नहीं होगा। तो आपका अगर एक दिन निकल गए फिर भी आपके अकाउंट से पैसे नहीं निकल रहे तो उस पोजिशन पर आपका जो अकाउंट है उसमें कोई ना कोई दिक्कत है, जिसके टाइम आप लोगों को आपका जिस भी जगह से हमने अकाउंट ओपनिंग किया उस जगह पर आपको जाना पड़ेगा। जाने के बाद अकाउंट आपका आधार नंबर पैन नंबर या आधार कार्ड पैन कार्ड ले जाना पड़ेगा और वहाँ पे जाके एक बायोमेट्रिक के थ्रू पैसा विड्रॉल करो और ओटीपी के थ्रू पैसा डिपॉजिट करो और ये लगातार 3 दिन करोगे तो आपके अकाउंट पर जो भी प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। अगर उसके बाद भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होते तो आप लोगों को एक ईमेल पर आपका सारा प्रॉब्लम बताना पड़ेगा, उस प्रोसेस पर सॉल्व हो जाएगा। जो ईमेल आईडी है वो है wecare@airtelbank.com। थोड़ा सा मैं आप लोगों से ब्रेक लेना चाहता हूँ क्योंकि आज का जो वीडियो है ये लगभग 1 महीने के बाद शूट हो रहे हैं, मतलब 1 महीने पहले मैंने वीडियो शूट किया था, आज वीडियो शूट करूं और इस जो रीज़न है बहुत सारा काम था जिसकी वजह से मैंने आप लोगों को न्यू कोई वीडियो नहीं दे पाया। जो भी वीडियो मैंने अपने चैनल पर दिया था वो सारे बहुत पहले शूट किया हुआ वीडियो है और उस वीडियो को मैंने अपलोड किया था,
तो देखो बहुत दिनों से इस चैनल पर कुछ अच्छा वीडियो नहीं मिले, तो आज का ये जो प्रॉब्लम है बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम है। मैं कोशिश करना चाहता हूँ कि आपका प्रॉब्लम ये सॉल्व हो जाए। तो देखो आप भी मास्ट है कॉमेंट पे बता देना कि नेक्स्ट वीडियो आप कौन से टॉपिक पर पढ़ना चाहते, क्योंकि आप लोग जो भी टॉपिक रिकमेंड करोगे मैं कोशिश करूंगा कि उस टॉपिक पे ऊपर ही वीडियो आए, क्योंकि आप लोग व्यूअर्स आप लोग जो भी डिमांड करोगे उसके ऊपर ही मैं वीडियो ले आऊंगा। तो नॉर्मल से ब्रेक इतना ही बताना चाहता था। तो बाकी ठंड कैसे मास्ट है कॉमेंट पे बता देना, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा ठंड है अभी के टाइम पर। सो देखो एयरटेल पिन बैंक इस टाइप का प्रॉब्लम आता है, नॉर्मल सी बात, घबराने की कोई बात नहीं, ये प्रॉब्लम आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो आपके भी कोई सी दोस्त वगैरह का अगर एयरटेल पिन बैंक अकाउंट है और इस टाइप का जब सर्वर डाउन के टाइम अगर वो पैसे ट्रांसफर नहीं कर पा रही, तो मैंने जितने भी प्रोसेस बोला कि बायोमेट्रिक के थ्रू वो किसी भी सिस्टम में जाके पैसे विड्रॉल कर सकते, बाकी उसका डेबिट कार्ड के थ्रू वो पेटीएम वॉलेट में ऐड करके पैसे ले सकते, नेट बैंकिंग के थ्रू ले सकते। वैसे यूपीआई में प्रॉब्लम होते है, इसका मतलब पूरा बैंक पर प्रॉब्लम है, ऐसे बिल्कुल भी मत सोचना। ये सर्वर डाउन बहुत सभी बैंक पर होते हैं, कभी कभी होते हैं किसी में रात में दिन में। तो इस टाइम पर अगर हमें इमरजेंसी पेमेंट है तो इस टाइप से हमें थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। सिर्फ नॉर्मल सी बात, जो भी इन्फॉर्मेशन था सब कुछ बता दिए, बाकी आपको अदर्स कुछ भी प्रॉब्लम आते हैं जस्ट कमेंट कर दो, उस कमेंट का रिप्लाई आप लोग 100% मिल जाएगा। बट आज के लिए नहीं, थैंक्स वॉचिंग माई वीडियो, जन्म मात्र चैनल को सब्सक्राइब मस्ट कर देना। थैंक यू, बाय बाय।